नमस्कार दोस्तों आज हम लेंथ कॉन्ट्रेक्शन की बात करने जा रहे हैं लेंथ कॉन्ट्रेक्शन इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द स्पेशल थ्यूरी ऑफ रिलेटिविटी एंड लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन पिछले लेक्चर में हमने लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी और लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में हमने चार इक्वेशन जो है वो ड्राइव की थी जिनको हम ये इक्वेशन हैं जिनको हम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं और इन इक्वेशंस की हेल्प से जो हमारे पास एक्स वाई जेट टी कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसको हम कोरिलेट करते हैं एक्स डैश वाई डैश जेड टी डैश इन मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन मीन्स रिडक्शन ऑफ लेंथ या जो लेंथ है उसका कम होना दैट इज कॉल्ड एज द लेंथ कॉन्ट्रेक्शन मान लीजिए हमारे पास ये दो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेज हैं और इन दो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेज में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ ये रेड कलर का दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ ऑरिजिनल लेंथ एल नॉट और ये जो ऑब्जेक्ट है इट इज प्लेस्ड इन द मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो एल नॉट है मगर ये कहां से मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये हमारे पास फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है यदि हम इस ऑब्जेक्ट की लेंथ फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से मेजर करना चाहें तो यहां से जो इसका डिस्टेंस होगा फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से सपोज इट इज एक्स वन और वैसे इसका जो दूसरा एंड होगा uh, इसका जो यहां से डिस्टेंस है इट इज एक्स टू तो यदि हम इसकी प्रॉपर लेंथ की बात करें इसकी प्रॉपर लेंथ तो एल नॉट है एंड इट इज प्लेस्ड इन द मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो इसकी जो प्रॉपर लेंथ है एल नॉट इट इज कॉल्ड एज द एक्चुअल लेंथ और प्रॉपर लेंथ इन मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ये कितनी है इट कैन बी कैलकुलेटेड एज एक्स टू डैश माइनस एक्स वन डैश ये मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और यहां पे एक्स टू डैश में से एक्स वन डैश को यदि हम माइनस कर ले तो यहां पर हमारे पास जो है वो एल नॉट आ जाएगी जो इसकी लेंथ होगी अब लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से x- डैश और x के बीच में ये फॉर्मूला था इसको हम यूज करें यहां पे तो x2- टू डैश ये हो जाएगा x2- टू माइनस बी और साथ में t अपॉन अंडर रूट वन माइनिस बी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर माइनस एक्स वन डैश के लिए एक्स वन बी टी अपॉन ये हो जाएगा वन माइनस बी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर क्योंकि दोनों टर्म्स में डिनोमिनेटर जो है हाँ वो सेम है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स टू माइनस बी टी माइनिस एक्स वन और ये माइनस माइनस प्लस बी टी और डिनोमिनेटर में एक टर्म इट इज अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर तो इस बी टी के साथ ये बी टी जो है हाँ वो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा एर नॉट इट इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन वन माइनस बी स्क्र अपॉन सी स्क्वेयर और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इट इज एल नॉट इट इज इक्वल टू एल अपॉन अंडरूट वन माइनस बी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर यहां पे जो एल है इट इज लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट मगर ये लेंथ कहां पे है स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वहां से जब हम इसी चीज को देखेंगे तो इसकी लेंथ जो है वो एल आएगी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देवल टू एल नॉट और यहां पे हो जाएगा वन माइनस बी स्क्र अपॉन सी स्क्वेयर रेस्ट पावर वन बाई टू तो ये लेंथ कॉन्ट्रेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि एक ऑब्जेक्ट जिसकी एक्चुअल लेंथ एल नॉट थी उसको हमने मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर रखा हुआ है और उसी चीज को जिसकी लेंथ एल नॉट है जब कोई दूसरा ऑब्जर्वर स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखता है तो उसको जो उसकी वैल्यू नजर आएगी वो एल आएगी क्योंकि यहां पे जो फैक्टर है वन माइनस समथिंग है वन माइनस समथिंग होने का मतलब ये हुआ कि यहां से जो एल की वैल्यू आएगी वो एल नॉट से कम होगी और एल नॉट से कम होने का मतलब लेंथ कॉन्ट्रेक्शन हो गई जो स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेगा उसको लेंथ जो है वो कम नजर आएगी इस चीज को हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो एक हमारे पास कोई एरोप्लेन है आ, या कोई स्पेस क्राफ्ट है ये स्पेस क्राफ्ट है और इस स्पेस क्राफ्ट के अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट रख दिया और इसकी लेंथ जो है यहां पे सपोज करो इट इज टेन मीटर टेन मीटर लेंथ का एक ऑब्जेक्ट जो है यहां पे रखा जब हम स्पेस क्राफ्ट के अंदर से इसकी लेंथ को मेजर करते हैं तो ये टेन मीटर है मगर यहां पे ग्राउंड पे कोई एक ऑब्जर्वर है जो ग्राउंड से बैठ करके इसकी लेंथ को मेजर करना चाहता है तो जो ग्राउंड से इसको देखेगा उसके हिसाब से जो लेंथ आएगी वो टेन मीटर से कम होगी नाइन मीटर या कुछ होगी जो भी होगी वो इससे कम होगी तो जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ आदमी है जो स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके हिसाब से जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ जो है हाँ वो कम हो जाएगी और इसी चीज को हम जो है हाँ वो लेंथ कॉन्ट्रेक्शन कहते हैं बेसिकली जो लेंथ कॉन्ट्रेक्शन है जो अभी हमने यहां से एक फॉर्मूला जो है हाँ वो ड्राइव किया उस फॉर्मूले को ही हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करें हमने कहा कि एल इट इज इक्वल टू एल नॉट इट इज वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर तो लेंथ कितनी कम होगी वो हम इस फॉर्मूले से जो कैलकुलेट कर सकते हैं यदि हम यहाँ पे देखें तो जो वेलोसिटी की वैल्यू है यदि हम देख लें कि स्पोज करें इफ वी इज वेरी वेरी लेस देन सी यदि वेलोसिटी जो है बहुत कम होती है तो उस केस में जो ये वाला फैक्टर है वन माइनस बी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर यदि बी की वैल्यू कम होती है तो ये फैक्टर लगभग जीरो हो जाएगा और उस केस में हमारे पास ये वाला फैक्टर लगभग वन के बराबर हो जाएगा और एल जो है वो एल नॉट के बराबर आ जाएगा इट मीनस नो चेंज इन लेंथ नो चेंज इन लेंथ यही कारण है कि हमारी डेली लाइफ में जब हम देखते हैं तो ऐसी कोई चीज हमें नजर नहीं आती क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट डेली लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं उनकी जो ब्लॉस्टी है वो लाइट की ब्लॉसिटी से बहुत कम होती है सेकेंड केस इफ बी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सी यदि लाइट की ब्लास्टिंग के लगभग हो जाए तो उस केस में बी स्क्र अपन सी स्क्र ये इसके साथ जो है हाँ वो कैंसिल हो जाएगा और इसकी ये वैल्यू जो है वो वन माइनस वन जो है हाँ वो हाँ जीरो आ जाएगी तो इस केस में जो एल होगा लेंथ की वैल्यू जो है हाँ वो जीरो हो जाएगी मीन्स जितना बड़ा ऑब्जेक्ट हो वो जीरो नजर आएगा मगर ये चीज जो है हाँ वो पॉसिबल नहीं है इसका मतलब कोई भी चीज जो है वो लाइट की ब्लॉस्टी के साथ जो है वो नहीं चल सकती है यदि वो चलेगी तो वो दिखाई नहीं देगी और थर्ड केस इफ वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी यदि ब्लॉस्टी ऑफ लाइट से ज्यादा तेजी से कोई चीज चलती है तो उस केस में वन माइनस बी स्क्र अपॉन सी स्क्वेयर ये जो टर्म है ये इमेजिनरी टर्म आ जाएगी कॉम्प्लेक्स टर्म आ जाएगी इसका मतलब इट इज आल्सो नॉट पॉसिबल तो ये चीज भी पॉसिबल नहीं है मगर जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है वो तभी पॉसिबल है जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है मगर उसकी जो वेलोसिटी है वेलोसिटी इज नियरली इक्वल टू अप्रोचिंग टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट नॉट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट नॉट ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट बट नियरली इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट यदि होती है तो उस केस में हमें जो है लेंथ uh, कॉन्ट्रैक्शन जो है वो देखने को मिलती है दूसरी चीज ये जो भी इफेक्ट है ये रेसिप्रोकल इफेक्ट है रेसिप्रोकल इफेक्ट का मतलब हुआ कि ये जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट मूव करे यदि जो ऑब्जर्वर है यदि ऑब्जर्वर मूव करता है विद वेरी हाई वेलोसिटी तब भी जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी जो लेंथ है वो कम दिखाई देगी लेंथ कॉन्ट्रेक्शन दिखाई देगी उसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जो होगी वो उसी डायरेक्शन में होगी जिस तरफ मूव करेगा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन अकरस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब ये हुआ कि जिस तरफ कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा उसी तरफ जो है उसकी लेंथ कम होगी उसके दूसरे साइड जो है उसकी लेंथ के ऊपर जो है हाँ, वो कोई भी फर्क नहीं होगा और जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है ये तभी सिग्निफिकेंट होगी

काम होती जो है वो नजर आती है ये इफेक्ट जो है वो रेसिप्रोकल है ऑब्जेक्ट ना मूव करे तो ऑब्जर्वर मूव करे तब भी ये चीज होगी और जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है ये सिर्फ उसी तरफ होगी जिस तरफ जो है वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा इस कंक्लूजन को हम कुछ और डिस्कस करें तो हम ऐसे देख सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारे पास एक स्फीयर है यहां पे जब इसकी वेलोसिटी जीरो है तो स्फीयर दिखाई दे रहा है exactly. एग्जैक्टली जब ये इस तरफ मूव कर रहा है इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन जब वो 0.3 सी के साथ है तो इस तरह से है 0.6 पॉइंट सी के साथ है ऐसे है 0.9 सी के साथ है तो ऐसे है जैसे जैसे-जैसे ब्लॉस्टिक बढ़ती जाएगी तो शुरू में ये सफेरिकल शेप में था और इस तरफ के डायमेंशन जो ये वाला रेडियस इसका कम हो जाएगा और ब्लॉस्टिक बढ़ने के साथ ये सफेर ना रह करके ये इलिप्सॉइड हो जाएगा यदि हमारे पास मान लें कि एक सर्कल है ऐसे सर्कल है तो जब ये मूव करेगा इन द बिलास्टी इस डायरेक्शन में विदो पॉइंट नाइन सी कह लो या नाइन नाइनटी नाइन परसेंट के साथ नाइनटी टू नाइनटी नाइन तो इस केस में ये ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे हो जाएगा इट इज लाइक इलिप्स तो जो सर्कल है वो सर्कल जो है वो इलिप्स में जो है हाँ, वो कन्वर्ट हो जाएगा और यदि मान ले हमारे पास एक स्क्वेयर है इस तरह से एक स्क्वेयर है तो जब स्क्वेयर होगा तो जिस तरफ को मूव करेगा ऐसे यदि मूव करता है तो ये स्क्वेयर की जगह जो है वो इट बिकम ए रेक्टेंगल क्योंकि ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ वाली साइड जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी जिस तरफ मोशन होता है उसी तरफ वाली साइड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है ये एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है कि मान लो हमारे पास एक स्पेस क्राफ्ट है और एट रेस्ट में उसकी जो लेंथ है वो टू हंड्रेड फीट है और हाइट जो है वो फोर्टी फीट है यदि 10 के साथ चलेगा तो फीट रहेगा और एक्स परसेंट होगा तो उस तरीके से हंड्रेड फीट और नाइनटी नाइन होगा नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन टू थ्री फिट तो जो शुरू में इतना बड़ा एयरक्राफ्ट नजर आ रहा था वो बाद में इतना रह जाएगा फिर और कम हो जाएगा और, और कम हो जाएगा मगर होगा किस तरफ जिस तरफ उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं की जो रिलेटिविटी है जिसमें हम ये मानते हैं कि जो स्पेस में बिलोसिटी और टाइम है दे आर रिलेटिव टर्म्स और जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पॉस्टूलेट थे जिसके बेस पे लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमने ड्राइव की थी उन इक्वेशन को यदि हम अप्लाई करते हैं इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट बड़ी ज्यादा बिलासिटी के साथ मूव करता है नियरली इक्वल टू द बिलॉसिटी ऑफ लाइट उस केस में उस ऑब्जेक्ट की लेंथ जो आदमी स्टेशनरी फेम ऑफ रेफरेंस से देखता है उसको कम दिखाई देती है कम नजर आती है इसको हम लेंथ कॉन्ट्रेक्शन कहते हैं हालांकि ये इफेक्ट जो है हमें डेली लाइफ में देखने को नहीं मिलते इसलिए हमारी कॉमन सेंस में ये चीजें समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि ये इफेक्ट्स तभी पॉसिबल हैं जब ऑब्जेक्ट जो है बहुत ही ज्यादा बिलोस्टी से मूव करे नियरली इक्वल टू द बिलॉसिटी ऑफ लाइट अब ये जो बिलोसिटी ऑफ लाइट के रिलेटेड लेंथ कॉन्ट्रेक्शन की हमने बात की इसके ऊपर एग्जामिनेशन में अक्सर जो है हाँ वो न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो हम कुछ न्यूमेरिकल जो है प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं एग्जाम्पल यहां पे लिखा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ए मीट्रिक रॉड मूविंग लेंथ वाइज विद द स्पीड ऑफ जीरो पॉइंट एट सी वेर सी इज द बेलॉसिटी ऑफ लाइट अभी हमने ये किया कि ये जो एक मीट्रिक रॉड है ऐसे एक मीट्रिक रॉड है मीट्रिक रॉड का मतलब हुआ कि इसकी जो लेंथ होगी इट इज इक्वल टू वन मीटर वन मीट्रिक मतलब मीटर मीटर रॉड रॉड है है और ये one meter जो है, ये जो मूव कर रही है इस तरफ विद बिलास्टी कितनी है जीरो पॉइंट एट सी तो हमें दो चीजें दी हैं एक एल नॉट जो ओरिजिनल लेंथ है इट इज वन मीटर जो इसकी बिलास्टी है इट इज जीरो पॉइंट एट सी इट इज अ बिलास्टी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट तो अभी हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया था कि लेंथ कॉन्ट्रेक्शन को हम कैसे लिखते हैं एल इट इज माइनस बी स्क्र अपॉन सी स्क्वेयर तो डायरेक्टली हम यहाँ फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू है जीरो पॉइंट एट सी का होल स्क्र अपॉन सी स्क्वेयर तो ये सी स्क्र कैसा सी स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे एल इट इज एक माइनस जीरो पॉइंट एट का स्क्वेयर करेंगे इट कम्स आउट टू बी जीरो पॉइंट सिक्स फोर और जब आप इसको माइनस करेंगे वन से देन इट इट जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट थ्री सिक्स सिक्स और एल इक्वल मीटर. तो ये आप के, देख सकते हैं कि जिस रॉड की लेंथ वन मीटर थी लेंथ कॉन्ट्रेक्शन की वजह से वो जीरो पॉइंट सिक्स मीटर जो है वो दिखाई देगी मीन्स फोर्टी परसेंट जो है इसमें कंट्रैक्शन हो गई है तो इस तरह का सिंपल न्यूमेरिकल जो है जिससे हम इस चीज को समझ सकते हैं अब एक और न्यूमेरिकल करते हैं ये न्यूमेरिकल 2017 2017 के बोर्ड एचपी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आया हुआ है 2017 एचपीयू टर्म एंड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है तो कैलकुलेट द परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए रोड मूविंग विद वेलोसिटी जो रोड है उसकी वेलोसिटी दी है इट इज जीरोक्शन एट थर्टी डिग्री टू इट्स ऑन लेंथ ये थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है तो यहां पर मान लीजिए ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और ये हमारे पास जो रॉड है वो ऐसे है ये रॉड है और ये एक्स एक्स के साथ जो है हाँ वो थर्टी डिग्री का एंगल बना रही है और इसकी लेंथ जो हम जैसे मानते हैं एल नॉट प्रॉपर लेंथ इसकी जो है हाँ वो एल नॉट है तो इट कैन बी रिजोल्ड इन टू टू कॉम्पोनेंट इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे एक एक्स एक्सिस की तरफ एक वाई तरफ तो जो एल एक्स होगा वो हो जाएगा एल नॉट एल ऑफ थर्टी डिग्री और कॉस थर्टी डिग्री की वैल्यू अनूट थ्री बाई टू होती है तो ये हो गया अनूट थ्री बाई टू एल नॉट जो ऊपर की तरफ कॉम्पोनेंट होगा इस तरफ उसको हम लिखेंगे एल वाई तो जो एल वाई होगा इट इज एल नॉट साइन थर्टी डिग्री और साइन थर्टी की वैल्यू वन बाई टू तो ये हो गया एल नॉट बाय टू अब क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है उसका मोशन एक्स एक्सिस की तरफ जो भी उसमें चेंज होगा वो कहां होगा अलोंग द एक्स एक्सिस होगा जो वाई एक्सिस है वो तो सेम रहेगा क्योंकि ये फ्रेम जो है वो ऐसे मूव कर रही है तो जो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट है उसी में जो है हाँ, वो चेंज होना है तो एल एक्स में जो चेंज होगा लेंथ कॉन्ट्रेक्शन एल एक्स इसको नॉट लगा लेते हैं साथ में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए तो ये हो जाएगा एल नॉट एक्स और यहां पर अपॉन सी स्क्र रेस्ट पावर वन बाई टू तो यदि हम इसको कैलकुलेट करते हैं एल नॉट एक्स की वैल्यू हमने निकाली है इट इज अंडर रूट थ्री बाई टू एल नॉट इट इज वन माइनस जीरो पॉइंट एट सी और ये सी स्क्वेयर इसका होल स्क्र रेस्ट पावर वन बाई टू यदि आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया था अनूट थ्री बाई टू ये हमने कैलकुलेट किया था सी स्क्र के साथ सी स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा और यहां पे एग्जैक्टली सेम ऊपर वाली प्रॉब्लम में जैसे सॉल्व किया था यहां पे आएगा जीरो पॉइंट सिक्स अब इसको यदि मल्टीप्लाई करें देन इट इज जीरो पॉइंट थ्री अंड रूट थ्री एल नॉट तो ये हमारे पास एल एक्स की वैल्यू आई जीरो पॉइंट थ्री 3 थ्री एल नॉट और एल वाई जो है वो हमने कैलकुलेट किया था वो था एल नॉट अपॉन टू तो यहां से हम टोटल लेंथ जो है वो निकाल सकते हैं जो टोटल लेंथ एल हो जाएगी हम इन दोनों को स्क्वायर करेंगे 0.3 पॉइंट थ्री 3 थ्री एल नॉट का होल स्क्वायर प्लस एल नॉट बाय टू का होल स्क्वायर और इसको कैलकुलेट करेंगे जीरो पॉइंट सेवन टू एल नॉट तो यह आ गया एल इज इक्वल टू जीरो बोला है, कि प्रसेंटेस, प्रसेंटेस निकालनी है। इसमें के तौर पे कितनी कॉन्ट्रेक्शन हुई है तो हम यहां देखेंगे कि एक्चुअली में जो लेंथ थी इसकी वो एल नॉट थी कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद एल रह गई तो एल नॉट माइनस एल अपॉन एल नॉट मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड तो जो शुरू में लेंथ थी वो तो हमने एल नॉट मानी थी एल की वैल्यू आ गई जीरो पॉइंट सेवन टू एल नॉट और ये हो गया एल नॉट इन टू हंड्रेड और इसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे देन इट कम्स आउटी ट्वेंटी एट परसेंट तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपकी बुक्स में जो है हाँ वो दिए होंगे आप जितने ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाए उतना बेटर है अधिकतर टाइम में लेंथ कॉन्ट्रेक्शन के ऊपर कोई ना कोई न्यूमेरिकल जो है वो कंपटीशन में या जनरल बीएससी के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो इसकी आप प्रैक्टिस करें तो यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें शेयर करें और मेरा चैनल जो कि डॉक्टर एचपाल के नाम से है उसको सब्सक्राइब करें थैंक यू